Assalamualaikum dear students, welcome to Punjab Technical and Science Academy. मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील. स्टूडेंट्स, हम डी ए मैथ 233 पेपर बी द लैपलेसिस ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर नंबर 12. इस चैप्टर के जो है वो हम शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं. जी तो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. अब एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन भी थोड़ा सा पहले दो क्वेश्चन से अलग है, क्योंकि यहाँ पे डबल प्राइम का जिक्र हो रहा है. तो इसका जस्ट फॉर्मूला लिखना है. मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, इसको जेहन में बिठा लीजिएगा. और ये एक ही क्वेश्चन है इसका, ठीक है ना. सबसे पहली चीज ये हमारे पास है लैपलेस में u की डबल प्राइम लिखी हुई है वैल्यू 7 × t है, ठीक है. इसको अब आपने एक्सपैंड करना, इस तरह से लिखेंगे इसको, ये समझिएगा. पहले आप लिखेंगे s का स्क्वायर, ठीक है. एस स्क्वायर लिखने के बाद आपने यहां पर लैपलेस लगा देना है, ठीक है. और इस लैपलेस के लिए आपने यहां पर लिखना है यू इंटू टी, ठीक है. और कर्ली ब्रैकेट्स बंद करके लैपलेस सिर्फ इस वैल्यू पे लगेगा. फिर माइनस लगा दें और फिर सिंपल एस लिख के यू इंटू जीरो लिख दें, ठीक है. फिर माइनस यू इंटू और ये यू प्राइम वाला हो जाएगा और इसके साथ जीरो लिख दें. पहले एक्स स्क्वायर में, फिर एस में, फिर एस की पावर जीरो हो जाएगी, ठीक है ना. फिर लैपलेस पहले वाले पे लगेगा, दूसरे वाले पे नहीं लगेगा, तीसरे वाले पे एस भी नहीं लगेगा, ठीक हो गया. ये वैल्यू कुछ आपने समझते हुए लिख लेनी है. बहरहाल इसका कॉन्सेप्ट आपकी बुक में मौजूद होगा. एक सेकेंड रुकिएगा. चलें जो भी है, ये एक ही क्वेश्चन है और इसको अगर आप करना चाहें तो इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, लेकिन ये लिख लिख के आएगा. ये एक ही फॉर्मूला है, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा. उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें. कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा. आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.